नमस्ते, मेरा नाम सोनल गुप्ता है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक बिजनेस फ्रेंड जिनको मैं कई सालों से जानती हूँ, उनके साथ पिछले लगभग एक डेढ़ साल से मैं किसी पर्टिकुलर एक कॉमन प्रोजेक्ट पे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ मीटिंग हम लोग को करनी थी ताकि अपकमिंग एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर सकें। जब मैंने इसके लिए उन्हें कॉल किया डिस्कस करने के लिए, तो वो पहले साफ साफ मुकर गए कि फ़ोन पर डिस्कस नहीं करते, सोनल अगर आप कोटा हैं तो आप मेरे ऑफिस में आकर के मिलिए। और उन्होंने मुझे इवनिंग का टाइम दिया कि मैं दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ, तो इवनिंग में मैं फ्री होकर हम लोग फ्री होकर आसानी से बात कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में कुछ आया नहीं, मैंने कहा ठीक है, मैं गई ऑफिस। जब मैं वहाँ गई तो माहौल कुछ अलग ही तरह का था। वो सर डिस्कशन के मूड में तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगे, वो पार्टी के मूड में थे शायद से, कि वहाँ पर खूब सारे अलग अलग तरह के उन्होंने स्नैक्स लाके रखे हुए थे, रिफ्रेशमेंट्स थे, ड्रिंक्स थी। तो मैंने उन्हें बिल्कुल मना किया, सर मैं ये ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो समहाउ मैंने उनको कोशिश की कि हम लोग पॉइंट पे ही बात कर सके, डिस्कशन जो मुझे करना था वो कर सके। बट बातों ही बातों में धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो उनकी नजरें ठीक नहीं हैं, वो मुझे कहीं भी देख रहे हैं, इधर उधर हाथ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। कभी कहाँ हाथ लगा रहे हैं, कभी कहाँ हाथ लगा रहे हैं। मैंने उन्हें स्ट्रांगली मना किया कि सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करके यहाँ पर आई हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो उनका ये कहना था कि सोनल इसमें क्या बड़ी बात है, आप इतने मॉडर्न ख्याल के हो, तो हम तो फ्रेंड्स हैं। मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की, वो नहीं माने। जब मैंने उन्हें स्ट्रांगली, जब वो मेरे करीब आने लगे, जब मैंने उन्हें स्ट्रांगली पुश किया, मैं वहां से जैसे तैसे निकल कर आ गई। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, मेरे माइंड में कई तरह के सवाल थे। मैं घर जाके कैसे फेस करूंगी, मैं अपने मम्मी पापा को क्या बताऊंगी, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या मुझे ही गलत समझा जाएगा।